जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चे अभी आ रहे हैं सड़कों में, देखिए बच्चे चलते हुए आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी आयन डिजिटल जोन में CUET का पहला पेपर है जिसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश के साथ हो रहा है पेपर, विद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम, जो भी आपका मीडियम है उस मीडियम में पेपर होगा और सब्जेक्ट जो है वो जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश का है। तो जिन भी बच्चों का जनरल टेस्ट है, चाहे वो फिर आपके लैंग्वेज पेपर के लिए हो या जामिया यूनिवर्सिटी के लिए हो, DU के लिए हो, जिसमें भी जनरल टेस्ट का क्राइटेरिया है, जिन बच्चों को इस स्लॉट में दिया गया है उनका आज पेपर है, जो कि गेट नंबर 1 और 2 दोनों जगह से एंट्री है। अभी तक बच्चों की एंट्री हुई नहीं, जबकि रिपोर्टिंग टाइम 11:15 पर है और इनका गेट क्लोजिंग टाइम 11:45 पर है। बच्चों के पेरेंट्स आपको पीछे नज़र आ रहे होंगे, बहुत आगे देख सकते हैं आप बच्चे के खड़े हैं, बच्चे परेशान भी हैं कि 11:45 हो गया है, अभी तक इनकी एंट्री नहीं हुई है, एंट्री कब होगी। 2 गेट हैं यहाँ पे, गेट नंबर 2 इधर आगे हैं, आप गेट नंबर 2 पे भी देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, गेट नंबर 1 पे भी भीड़ है। उसके अलावा अगर जिन बच्चों ने अगर अभी भी लेट कर दिया है, उनके पास अभी भी टाइम है कि वो आ जाए और अपने सेंटर पर पहुँच जाए। मैं यहाँ आयन डिजिटल सेंटर पर हूँ, आयन जोन में, जो कि नोएडा सेक्टर 62 में पड़ता है, नोएडा सेक्टर 62 के गेट में। और यहाँ का माहौल ये है कि यहाँ बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, मगर फिर भी इन्हें एंट्री नहीं मिल पा रही है। इवन कि बच्चों के पास अपने ID प्रूफ हैं, बायोमेट्रिक्स के लिए सारी चीज़ें हैं, उनके पास प्रॉपर एडमिट कार्ड है, फोटोकॉपी है, इन्होंने फ़ोटो पेस्ट करके ऑलरेडी ये लेकर आए, थंब इम्प्रेशन देकर आए हैं, फिर भी इसके बावजूद भी बच्चों की एंट्री 11:45 तक भी नहीं हुई है। 12 बजे से इनका पेपर स्टार्ट होना है, 2 बजे पेपर ख़त्म होना है। ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह एक फ़ेज़ में पेपर पोस्टपोन कर दिया गया था, बिल्कुल कैंसिल हो गया था, उसी की तरह इस बार भी पेपर कैंसिल ना हो जाए। आप देख सकते हैं बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं इस भीषण गर्मी में। बच्चे यहाँ पे धूप के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं उन्हें, और उसके बावजूद भी यहाँ कोई सही इंतज़ाम नहीं है, बैठने के लिए गार्जियंस के लिए कुछ नहीं रखा गया है। कोई पेरेंट्स दोनों परेशान हो रहे हैं कि कब तक इनकी एंट्री होगी, कब इनकी बायोमेट्रिक्स होगी, बच्चे बेहोश हो रहे हैं गर्मी में। अगर इस तरीके का इंतज़ाम रहा, बच्चे अगर एग्ज़ाम से पहले ऐसे अनकॉन्शियस हो जाएंगे तो पेपर कैसे देंगे, फिर पेपर ख़राब होगा तो बाद की अलग परेशानी है, 1 साल ड्रॉप हो सकता है। इस तरीके की परेशानियों के लिए NTA को कुछ इंतज़ाम करना चाहिए। NTA क्यों नहीं खोली इन्होंने एंट्री सब वगैरह में? मैडम जी सुनने को तैयार नहीं है, क्या करें? मैडम जी कह रहे आयन डिजिटल जोन में सेक्टर 62 नोएडा में ये हाल है CUET के पहले एग्ज़ाम का, कि गेट नंबर 1 में तो फिर भी बच्चों को 12 बजे, यहाँ 12:05 हो गया, गेट नंबर 2 में अभी तक कोई एंट्री की कोई समस्या हल ही नहीं होकर दे रही है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, कई बच्चे बेहोश होकर गिर भी चुके हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं कि बच्चों को अगर यहाँ गर्मी में इतना तपना पड़ रहा है तो अंदर जाके वो एग्ज़ाम कैसे देंगे सही से। बहुत बच्चे अभी भी बाहर हैं, कुछ बच्चे इधर से गेट नंबर 2 से शिफ्ट होकर के गेट नंबर 1 से एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ बच्चों के डाउट ये हैं कि अगर गेट नंबर 2 से हमने एंट्री ले लिया तो हमारा जो रोल नंबर गेट नंबर 1 में है, 2 में है, वो कैसे क्लियर हो पाएगा। गेट नंबर 1 में अलग रोल नंबर्स हैं और गेट नंबर 2 में अलग रोल नंबर्स हैं, तो ये मैनेजमेंट इनकी बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, 12 बजे से इनका पोर्टल स्टार्ट हो जाना है और 2 बजे इनका पेपर ख़त्म होना है, 2 घंटे का पेपर है और 12:05 हो रहे हैं, बच्चे अभी गेट नंबर 2 के अभी भी इंतज़ार कर ही रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए भी सही इंतज़ाम नहीं किया गया, पेरेंट्स यहाँ धूप में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इतनी बड़ी एग्ज़ाम चल रही है NTA की, मगर यहाँ कोई पुलिस, क्या कहते हैं, पुलिस के कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई पुलिस दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी नज़र आ रही है, जिसमें से भी एक अभी लेडी पुलिस ऑफिसर निकल कर आई है और वो बच्चों की गलती बता रही है कि बच्चे गर्मी से बेहोश हो रहे हैं, ना कि पेपर की वजह से। बच्चे आए भी तो पेपर की वजह से ही है ना, यहाँ पर गर्मी में खड़े भी उनको पेपर की वजह से होना पड़ रहा है। तो पुलिस प्रशासन चाहे लेकर के NTA को लेकर के हो या फिर CUET को हो, सारे लोगों को इसके मैनेजमेंट को पिछले साल से ही सबक सीख जाना चाहिए था, कि पिछले साल इनका एक बार सर्वर डाउन भी हो चुका है, रिपोर्टिंग टाइम भी लेट हो चुका है, हुई है, पेपर कैंसिल होकर के दूसरे डेट पे दिया गया है इनको पेपर, तो इस साल ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी ये गलतियां हो रही है। ये तो एक सेंटर का माजरा है, अब पता नहीं और सेंटर्स में क्या हाल है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले हम पेरेंट्स के रिव्यू जानने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स की क्या राय है इसको लेकर के।